अपने को 45 इंसर्ट किया, स्टार्ट पॉइंटर 45 पे आ गया, ई पॉइंटर 2 पे आ गया। ठीक जी है, अब यानी 0 पे गए, ठीक है, 0 पे -1 था। ये तो सेम ही रहा है पॉइंटर सेम आई हाँ, थिंक पॉइंटर सेम ही ये स्टार्ट पॉइंटर चेंज हो गया। नहीं वो पॉइंटर पॉइंटर वाला लिंक है अच्छा अभी 45 इंसर्ट हो गया, लिंक लिस्ट विद एलिमेंट 37, देन 45 एडेड। अब ये ही पॉइंटर अपडेट हो गया, नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया। ठीक है ये एक और आइटम 12 इंटर हो गया। 12 के बाद 2 लिखा हुआ है, इधर 2, 2 पे क्या लिखा हुआ है, 3। तो 3 पे जाएंगे जो 3 पे ही ठीक पॉइंटर आ रहा है, यानी नेक्स्ट आइटम जो अवेलेबल है वो नोड 3 है। अब हाँ 0 माइनस अच्छा सही है ये बेसिकली टू सेटअप अ लिंक लिस्ट है, डिक्लेयर माय लिंक लिस्ट, ठीक है, एरे 0 to 11 यानी 10 आइटम है ऑफ इंटीजर। एक एरे ये हो गया, डिक्लेयर माय लिंक लिस्ट पॉइंटर एरे 0 to 11 ऑफ इंटीजर। दूसरा एरे ये हो गया, ये पॉइंटर के लिए डिक्लेयर हाँ ये पॉइंटर के लिए ठीक किया, स्टार्ट पॉइंटर इसकी डेड टाइप इंटीजर हो गई। फिर पॉइंटर डिक्लेयर किया हीप स्टार्ट पॉइंटर, इसकी डेड टाइप इंटीजर है। और फिर हमने इंडेक्स एक वेरिएबल ले ठीक लिया, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और हीप स्टार्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है, है और स्टार्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, शो कर रही है कि लिंक्स अभी एम्प्टी है। उसके बाद ये लूप चलाया फॉर ठीक है इंडेक्स 0 to 11, जीरो टू अलेवन इस इंडेक्स, ये लूप से लूप क्या चला है। हाँ, इससे क्या होगा कि ये जो क्या कहते हैं, ये अपडेट हो जाएगी ना, जो माय लिंक लिस्ट पॉइंटर है, ठीक है, इसमें इंडेक्स +1 जो वैल्यूज है, इंडेक्स इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 एड अप होती चले जाएगी। द लिंक लिस्ट हीप इज द लिंक लिस्ट ऑफ ऑल दी स्पेसेस इन द लिंक लिस्ट, दिस सेटअप व्हेन द लिंक लिस्ट इज इनिशियलाइज्ड। स्पेशली हमने माय लिंक लिस्ट पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक ये पॉइंटर आपके या ये नंबर ये अवेलेबल हो गया आपके पास। एक तरह की एरे ही बना रहे हैं 0 to 11 इंडेक्स +1 +1 करते रहेगा जब तक 11 वो नहीं हो हाँ, जाता इलेवन यानी 10 आइटम का एरे बना देगा। हाँ अब ये माय लिंक लिस्ट पॉइंटर 11 -1 यानी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि इनिशियली इसके अंदर कुछ नहीं है। द फाइनल ही पॉइंटर इज सेट टू -1 टू अशोर नो फर्दर लिंक्स, इसके बाद कोई आइटम नहीं। हाँ, ये करना जरूरी है एंड वर्क इनिशियलाइज करना जरूरी है। स्टार्ट पॉइंटर भी -1 है फिर एंड ऑफ पॉइंटर भी जो होता है वो भी -1 रखेंगे स्टार्ट पॉइंटर कहाँ लिखा हुआ है -1? हाँ ये इससे क्या होता है जो आपने लिखा है माई लिंक लिस्ट पॉइंटर 11 इसको -1 करने ये स्टार्ट पॉइंटर -1 है ना, तो ये इसके इसके लिए ही, ये माय लिंक लिस्ट के लिए, ये लिस्ट में कोई आइटम नहीं है। और ये जो है ना माय लिंक लिस्ट पॉइंटर -1, ये पॉइंटर के लिए, तो ये भी बता रहा है कि अभी हाँ ये पॉइंटर के लिए, पॉइंटर का जो एरे बनाया था उसकी इनिशियल वैल्यू के लिए। ये इनिशियल तो नहीं तो 11 है फाइनल वैल्यू है हाँ ये -1 ये वाला, लेकिन वो जो इंडेक्स जो उसने लिया हुआ 11 लिया हुआ ना 0 to 11, अच्छा 11 ना, तो जब वो आखिरी आइटम होता है ना, मैं दिखाता हूँ, यानी यहाँ पे लिस्ट एंड हो रही है, ये ना, इसके बाद कोई आइटम नहीं, क्योंकि लिंक लिस्ट एंड होगी ना एक जगह पे, उसके बाद आपने उसको
नेगेटिव शो, एम्प्टी शो करना है। ठीक है, -1 का मतलब है कि वो एंड हो गई लिस्ट। एंड हो गई है, इसके बाद कोई आइटम नहीं। अच्छा ठीक है जी, तो राइट करना है, ठीक कर ही लेता हूँ, है। हाँ बेहतर है। सर हाँ बोले। हाँ ये मैं पहले एक पेपर कर रहा था आई थिंक, और मुझे ये एक सवाल, एक और सवाल मिल गया था, तो वो आप ज़रा सॉल्व कर देंगे? हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो, किसका है, किससे कर, रिलेटेड बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट, है? है तो बाइनरी वाला। बाइनरी ईयर कौन सा है? ये पता नहीं, मैं आपको वो पूरा क्वेश्चन ही भेज दिया मैंने आपको, जो ठीक है, है ये तो भी याद ही नहीं है। हो गया सर, ये हो गया। जी आपने सवाल देखा? हाँ हाँ अभी देखा ना, वो तो -192.5 में मसला है ना, तो जी, हाँ 192.5 को पहले पॉजिटिव कंसीडर करते, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर वो पहले पॉजिटिव टूस। में हाँ मतलब पहले से समझो कि पॉजिटिव है ना वो, फिर टूस मैं कॉम्प्लीमेंट के उसी थ्रू नेगेटिव कन वर्क कन्वर्ट कर लो, चलो मैं देखता मैं उस हूँ तरीके से कोशिश, उस तरीके से कोशिश की थी, आंसर ही नहीं आ रहा था, तो मैं किस पूछ किस रहा तरीके से। हूँ। ये जो पॉजिटिव लो पहले, फिर नेगेटिव टूज कॉम्प्लीमेंट से करो। अच्छा उससे नहीं हो रहा था। नहीं आप ट्राई कर ये लो, ईयर कौन सा है? ये ये मुझे याद, खुद याद ये नहीं है, टॉपिकल से लिया है, कहाँ से लिया है? अच्छा ये वो कंपाइल बुक स्कूल की स्कूल की, जी। उसमें ईयर वगैरह नहीं लिखा होता। नहीं लिखा होता, लेकिन वो पेपर में वो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया उसके अंदर नहीं ना ये लिखा हुआ। अच्छा लेकिन आप सॉल्व कर देना उसको, उसकी वर्किंग भेज दें मुझे, उसकी हाँ मैं आपको भेज दूँ। वर्किंग भेज देना, फिर मैं खुद देख अच्छा लूंगा मुझे समझ आएगी। सही, ये देख लो पहले। ठीक लिंक्ड लिस्ट आइटम टू बी सर्च।
माइलेज पॉइंटर सही है। चले चले चले। अब ये देखो, ये डेटा दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं नोड, एलिमेंट ऑफ लिंक्ड लिस्ट, यूज टू पॉइंट टू वर्ड्स मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक। जी और इससे पहले स्टार्ट पॉइंटर होगा, फर्स्ट करो ये नोड सी हमने ऐड करना है, तो इससे पहले स्टार्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा। इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो ये नल पॉइंटर यहाँ पे इसके आगे लग जाएगा। ठीक है। अब आपने स्टार्ट पॉइंट एफ को इंसर्ट करना है, तो सी यहाँ से नल पॉइंटर हटा के हम पॉइंटर जो है एफ की तरफ मूव करते हैं। अब एफ के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ नल लगा दें, ठीक है। अब ठीक है। ए को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा है कि पहले हमने एक 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 ए नोड को लिखा, पहले ए को सी के साथ लिंक बनाएंगे, पहले ए को सी से लिंक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट पॉइंटर को लिंक करेंगे ए के साथ। ये ध्यान में रखना कि ये क्या जो किया? देखो यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, नोड ए को लिंक करना है सी के साथ। ए पहले आता है ना, जी हाँ। ए पहले आता है ना, तो अब जो भी नोड ऐड करना हो लिंक लिस्ट के अंदर, तो नेक्स्ट वन को, यानी प्रीवियस को नेक्स्ट से पहले अटैच करो। ए जो है वो प्रीवियस है, सी इज द नेक्स्ट, ठीक है। फिर ए से पहले जो भी नोड आ रहा हो, अभी तो स्टार्ट पॉइंटर ही आएगा, स्टार्ट पॉइंटर को आपने फिर उसके बाद लिंक करना है ए के साथ, यानी प्रीवियस ठीक है। को स्टार्ट पहले। पॉइंट हाँ, पे एक पर लिख रहे हैं। अच्छा वहां पर लिखा है ना स्टार्ट पॉइंटर, ये रहा स्टार्ट पॉइंटर। ये मतलब आपने ऐसे नहीं करना, नोड ए आपने यहाँ पे राइट किया, फर्ज के लिए ये नोड ए है, कि आपने स्टार्ट पॉइंटर पहले लिंक कर दिया इसके साथ, तो ये चेन ब्रेक हो ठीक जाएगा। ये आपको फिर ये चेन इधर गायब हो गई ना, अब आप सी के साथ है। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब भी नोड ऐड करते हैं, तो पहले उसको नेक्स्ट वन से अटैच कर लिंक कर देते हैं, और फिर प्रीवियस वन को अच्छा लिंक करते हैं। ये देखो अभी पूरा लिंक बन गया। अब हाँ यहाँ देखो डी को ऐड करना है, अब डी को ऐड करना है, पहले डी को एफ से लिंक करेंगे, सही है। ठीक है। फिर यानी सी को डी से डी लिंक नहीं को करेंगे, पहले डी को एफ से, मैंने बोला नेक्स्ट वन, प्रीवियस अच्छा को नेक्स्ट वन से पहले लिंक करोगे, तो टी प्रीवियस हो गया, एफ नेक्स्ट वन हो गया। अब इसके बाद सी को, सी का लिंक वहां से हटाओगे और डी से लगाओगे, ठीक वही ना। ठीक जी है। अब क्या कर रहे हैं, डी को निकाल रहे हैं, डी अब क्या कर रहे हैं, डी को डी को निकाल रहे निकाल हैं, लें। ठीक तो पहले सी का लिंक ब्रेक करके एफ पे डालेंगे, यानी अब है लिंक ठीक है। ब्रेक। हाँ, डी को डी से डिस्कनेक्ट कर दिया ना, एफ हाँ से कर दिया। अब यहाँ पे देखो डी जो है यहाँ से रिमूव, डी रो हो गया। ठीक है। यानी इसके साथ एक और लिस्ट होती है फ्री लिस्ट, ये नोड सारे वहीं से आते हैं, फ्री लिस्ट से लिंक लिस्ट में आते हैं और लिंक लिस्ट से फ्री लिस्ट में चले जाते हैं। अब देखो अच्छा ए को ब्रेक कर रहे हैं, ए को निकाल रहे हैं, तो पहले स्टार्ट पॉइंटर को लिंक करेंगे सी के साथ, और उसके बाद ए का लिंक हटा देंगे सी से, और उनके आगे नल पॉइंटर लगा ठीक देंगे। ठीक है। तो ये हट जाएंगे ना, तो ये अभी भी रिप्रेजेंट क्यों हो रहे हैं?
नहीं, ये लिंक लिस्ट से तो हट गए, फ्री लिस्ट में चले गए। अच्छा फ्री लिस्ट, ये एक और लिस्ट होती है फ्री लिस्ट, तो इसमें चले जाते हैं और वहीं से हम बारो करते हैं जब हमें ऐड करना है। इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नोड्स, अ नोड कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर एंड डेटा। डेटा नोड के अंदर दो चीजें, डेटा और पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस, यूज टू पॉइंट वर्ड्स, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। यूज टू पॉइंट और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। हाँ ठीक, स्टार्ट पॉइंटर अब पान को पॉइंट कर रहे हैं, नल पॉइंटर इसके आगे लगा, एंड अ प्लेस इट पॉइंट टू वर्ड नथिंग। एचएम को ऐड कर रहे हैं, पान अटैच अटैच हो रहा है अमात के साथ। ये रायान ऐड हो रहा है। हाँ ठीक है। सारे में ऐड हो रहे हैं। ओके अभी ये अफान का लिंक, सॉरी हमाद को डाला है, अफान को लिंक कर रहे हैं रायान के साथ, तो फिर हमारा हट जाएगा। हमाद हट जाएगा। रायान को हटाना है, यानी सारे को हटाना है, इसका लिंक ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये अफान को हटाना है, स्टार्ट पॉइंटर रायान की तरफ चला जाएगा, तो अफान हट जाएगा और स्टार्ट पॉइंटर डायरेक्टली रायान को लिंक कर रहे। स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल पॉइंटर। लिस्ट इज एम्प्टी, एनी नोड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड नल पॉइंटर। लिस्ट एंड्स, एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम एनी वेयर इन द लिस्ट। लिंक लिस्ट हैविंग टू स्पेशल केस, क्यू एंड स्टैक। क्यू और स्टैक के साथ भी लिंक किया, क्या सोचते हैं? ये क्या स्पेशल केसेस क्या क्यू एंड स्टैक के साथ। हाँ नॉर्मली क्यू और स्टैक भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, इनको आपस में भी यूज किया जा सकता अच्छा, है। ये भी आ गया है। ये जरा देख, ये सूडो कोड हो गया लिंक्ड लिस्ट का, इतना ही होता है सूडो कोड। नहीं और भी होता है, भी आएगा उसका, और भी आएगा। अच्छा नोड्स ए एंड के आर एडेड टू द नोड्स जे एंड के आर डिलीटेड। ओके After the changes, what's the data items still need to be accessed in alphabetical order? Alphabetical order, okay. A and K add हो रहे हैं, J K तो start pointer।
एंड एल आर रिमूव्ड, और ए एंड के इज एडेड, तीन हो जाएंगे। ये के अंदर ये होगा, एल के अंदर ये होगा, हो गया जी। हो गया क्या किया? व्हाट्सएप कर दूं? ठीक पहले हम स्टार्ट पॉइंटर को उससे ए से लिंक करेंगे, अच्छा। ठीक ए फिर हम सी से लिंक हो जाएगा उसका, है ठीक फिर सी से के, और के अंदर नल पॉइंटर आ जाएगा, है। और फिर जे एंड एल में नल पॉइंटर। पहले क्या करोगे? ए को सी से लिंक करोगे, पहले हाँ यही किया। ए को सी से लिंक करोगे, फिर स्टार्ट पॉइंटर को ए से लिंक करोगे। समझ हाँ वही किया मैंने आ गए? जी। जे और एल में हम नल पॉइंटर नहीं स्टोर कर देंगे, आपने बोला था कि रिमूव हो जाता है नल पॉइंटर आ जाता है। हाँ मतलब ये फ्री लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये अच्छा लिखा तो मैंने अगर मैं नो, लिखूं तो मतलब अभी तो हम शो कर रहे हैं, ये तो फ्री लिस्ट का पार्ट बन जाएगा ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि अपने ये जो लिंक्ड लिस्ट है इसको इसके साथ क्या करना। ठीक लिंगले तो सही बनेगी। ये देखें जरा। ओरिजिनल डेटा कुड हैव बीन स्टोर्ड इन अ 1D एरे इन व्हिच ईच एलिमेंट स्टोर्स अ कैरेक्टर एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ चेंज डिस्क्राइब पार्ट ए व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन लिंक्ड लिस्ट ऑफ एन एरे। अच्छा एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ लिंक्ड लिस्ट, ये हो गया जी। हो गया। ये देख, पॉइंटर डिटरमिन द ऑर्डरिंग ऑफ डेटा। ठीक ये तो एंड है, ओनली द पॉइंटर नीड टू बी चेंज व्हेन डेटा चेंज। पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो जाती है, इजियर जी। टू ऐड है डिलीट डेटा टू मेंटेन करेक्ट सीक्वेंस नेकलेस। ठीक है, ये स्पीड स्पीड ठीक है। सही तो देखो डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज ऑफ स्टोरिंग इट इन अ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में स्टोर होता है तो डिसएडवांटेजेस। अच्छा
हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे नीड टू स्टोर पॉइंटर एज वेल एज डेटा मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप और इजी ठीक थी, एडअप करना सही होता है। समझ आ गए? ठीक हाँ सही। अब ये लिंक लिस्ट की प्रिंटेशन बताने की क्या जरूरत है? Program store data using a linked list like the one shown in part A. Explain how the linked list can be implemented. अच्छा ठीक है। सही है सर। ठीक है, समझ में आ गया। जी हाँ ये इसमें दिया हुआ शुरू में हमने पढ़ा था ना, डिक्लेयर टू 1D अरे, वन फॉर डेटा वन फॉर पॉइंटर, एलिमेंट फ्रॉम सेम इंडेक्स रिप्रेजेंट वन नोड, डिक्लेयर इंटीजर इंटीजर और वेरिएबल फॉर स्टार्ट पॉइंटर, डिफाइन एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर नल पॉइंटर, डिक्लेयर इंटीजर और वेरिएबल फॉर प्री लिस्ट पॉइंटर्स, रूटीन आर नीडेड टू ऐड और डिलीट और सर तीन रूटीन आस, तीन सूडो कोड एसेस हैं, सर्च करने का, डिलीट करने का और सर्च करने का। अच्छा आया सही। ठीक ये देखो है। एक्सप्लेन हाउ अ फ्री नोड पुटिंग वैल्यू बी is added to the alphabetic sequence. Okay.
डेटा हो गया सर। तो क्या किए? इसके अंदर एड द पॉइंटर में भी एड बिन पॉइंट बी एंड सी, द पॉइंटर दैट यूज टू पॉइंट टू सी विल नाउ पॉइंट टू ए, सी ए को भी पॉइंट पॉइंट करेगा। नहीं मतलब मेरा मतलब था जो पॉइंटर ए है दैट पॉइंट्स टू सी विल नाउ पॉइंट टू पॉइंटर बी, और जो पॉइंटर बी होगा इट विल पॉइंट टू पॉइंटर सी ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ पॉइंटर ए। देखो सबसे पहले आपने चेक करना है, चेक फॉर अ फ्री नोड, आपको फ्री नोड अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, फ्री लिस्ट से पहले ये चेक करना है। फिर आपने सर्च करना है फॉर करेक्ट इंसर्शन पॉइंट, यानी नोड को कहाँ इंसर्ट करना है या आइटम को कहाँ इंसर्ट करना है, उसकी जगह आपने ढूंढ, या तो लिंक लिस्ट के स्टार्ट में होगा या मिड में होगा या एंड में होगा, ये तीन जगह होती है। फिर लिखा हुआ असाइन डेटा वैल्यू बी टू फर्स्ट नोड इन फ्री लिस्ट, क्या कह रहा है, असाइन डेटा वैल्यू बी फर्स्ट नोड इन फ्री लिस्ट, यानी फ्री लिस्ट के अंदर ये जो ये कह रहे हैं इसको असाइन कर दें, इस आइटम को, इसको एज ए बी यूज करना है, लिंक लिस्ट में यूज करना है। तो जो असाइन का वर्ड यूज कर रहा है, असाइन डेटा वैल्यू बी टू फर्स्ट नोड इन फ्री लिस्ट और नोड पॉइंटर टू बाय स्टार्ट पॉइंटर ऑफ फ्री लिस्ट, पॉइंटर फ्रॉम ए विल बी चेंज टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू टू नोड कंटिन्यू कंटेनिंग टू बी इंस्टेड ऑफ सी। पॉइंटर बी विल चेंज टू पॉइंट नोट कंटिन्यू टू। इसमें हम पहला पहला काम ये करेंगे, पॉइंटर फ्रॉम बी विल बी चेंज टू पॉइंट टू नोड सी, पहले ये होना चाहिए, हम बी को लिंक करेंगे सी के साथ, ठीक पहले यही है, होगा। उसके बाद ये होगा नंबर फोर। इन्होंने पहले लिखा है, ऐसे नहीं होगा, पहले स्टेप फाइव होगा फिर स्टेप फोर होगा, तो ठीक है, वो आइटम ऐड होगा। ये करेक्ट सर्च फॉर करेक्ट इंसर्शन वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है ना कि हमने देखो इंसर्शन या तो स्टार्ट में होती है या मिड में होगी या आइटम में होगी, मतलब आपने सोचना है ना कि आइटम को कहाँ इंसर्ट करना है, ठीक हाँ है। फिर ये स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट मूव टू पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री लिस्ट, स्टार्ट पॉइंटर फिर जो दिया हुआ है फ्री लिस्ट का, अब जाहिर यहाँ से कट जाएगा ये, अब यहाँ से इसको इसके साथ लिंक करो, ये भी हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, फिर How the linked list part A may be implemented using array variables and arrays। ठीक है, जो linked list part A है वाला ये। ये तो हो गया था, ये तो इजी। ठीक है, अब जी इसमें हमने दिया है एन एरे 1D टू स्टोर द डेटा, सेकंड एरे टू स्टोर द पॉइंटर,
इंटीजर वेरिएबल टू होल्ड द स्टार्ट पॉइंटर एंड इंटीजर वेरिएबल टू स्टोर द नेक्स्ट 3 पॉइंटर। ये सर एम्प्टी बट होगा। ठीक है चल। आगे बढ़े, ये बताएं। हाँ ओह लिंक्ड लिस्ट लिंक्ड लिस्ट ठीक है, इसका देख। डायग्राम आइटम लेबल्ड ए। अब वापस जाना डायग्राम। ठीक है ओके स्टार्ट पॉइंट रो। अच्छा ठीक पॉइंट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ लिस्ट पॉइंट्स टू नथिंग। क्या होगा? ठीक नल पॉइंटर है इट पॉइंट्स टू नथिंग। There are no further unknown results. कोई ऐसा रिजल्ट एंड ऑफ लिस्ट प्रेजेंट करता है। एंड ऑफ लिस्ट कह सकते। अब ये कह रहे कंप्लीट द डायग्राम टू शो एडिटिंग ऑप्शन डेटा एज बीन सॉर्टेड अल्फाबेटिक ऑर्डर। सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके ए बी सी डी। हो गया हो गया क्या जी। अब किए? स्टार्ट पॉइंटर को हम कैट से लिंक करेंगे, फिर एल्क से लिंक करेंगे, फिर ठीक है ठीक उसके बाद फिश से लिंक होगा, फिर डॉल्फिन से। अब ए बी डॉल्फिन क्या सी डी ई एफ ये सी को फॉलो करेंगे ना। ये देखो जी। जी हाँ ए बी सी डी ई एफ। हाँ स्टार्ट कैट पॉइंटर पहले डॉल्फिन कैट से एलेक्सी। होगा, कैट डी से होगा, डी ई से होगा, ई एफ से होगा। सही है। हाँ ये देख वैल्यू इज एडेड ये भी हो जाएगा। अच्छा एडेड बिटवीन द नोड बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में आएगा तो ए बी ई सी डी। ए बी ई सी डी एपी। अच्छा ए बी ई सी डी। नहीं, एबीई हाँ एबीई होगा। बात कह रहे हैं ई सी डी विद डी नल पॉइंटर। वही ना ए बी ई सी डी। एक तो ये है ना, सही। और एक ये है ई सी डी विद नल पॉइंटर।
हाँ ये सही है। रिप्रेजेंट एंड ऑफ लिस्ट, नो मोर फर्दर नोड्स। ठीक है। अब ये ये क्या आ पहले, गया? अब ये उसका सोडो कोड आ गया ना, इसका फाइंड बैंक हाँ सर्च, इसका सूडो कोड तो पूरा लिखवा दें मैंने, इसका लिंक लिस्ट का सूडो कोड तो पहले लिखवा दें पूरा ताकि वो तो जाए। वो देखना पड़ेगा इसे सबसे। पहले वो तो सूडो कोड का पार्ट तो अंडरस्टैंड कर लें। हाँ ये नजर आ रहा है, तो जी सर्च का है। अच्छा, पर बहुत लोग कर लो कर। आइटम सर्च। अच्छा ये तो और ही अपना ही कोड है ये तो। लिखना ही पड़ेगा। फंक्शन और कौन कौन सा कोड होता है इसके अंदर? ये तो सर्च का है, और कोई होता है? बस ये आईडी ही है। और आएंगे ना उसका सर्शन का और डिलीशन का। इसके अंदर भी सॉर्टिंग आ गई। नोड इंसर्शन का आएगा। बूलियन
स्क्रीन तो दिखा रहा है। हो गया सर। हो गया कौन आगे? ठीक जी है, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। इधर से एक्सप्लेन हाँ तो कर हाँ दे, थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दे। बस ये सर्च का है, ये लिंक लिस्ट में से आइटम सर्च करना है। अभी कह रहे हैं कि आइटम सर्च ये है, एक आपने वेरिएबल ले लिया और एक आइटम पॉइंटर के अच्छा लिए ले लिया। ठीक है, नल पॉइंटर इनिशियली -1, वहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाएगी, जो लिस्ट होगी उसके आगे ही आ रहा होगा। ये आपने फंक्शन बना दिया फाइंड के नाम से, आइटम सर्च का पैरामीटर हो गया, रिटर्न करेगा डिक्लेयर फाउंड बूलियन, यानी जब ये फाउंड हो जाएगा तो आप उसको ट्रू कर देंगे, ये बूलियन ले लिया। स्टार्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो हमने आइटम पॉइंटर के तो सेव करने हैं। इनिशियली फाउंड ये ठीक फॉल्स होगा। अब ये कब तक चलेगा? आइटम पॉइंटर जब तक नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है। है, आइटम पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है एंड नॉट फाउंड, तो फिर जब सर्च तक एंड करते ऑफ हैं। लिस्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैच कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये कंपेरिजन मैच कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, फाउंड ट्रू हो जाएगा, एस इस सर्चिंग चलती रहेगी। माई लिंक लिस्ट पॉइंटर ऑफ आइटम पॉइंटर, ठीक है, और आइटम पॉइंटर ठीक को अपडेट करता रहेगा। जब ये फाउंड हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा आइटम पॉइंटर। दिस अच्छा फंक्शन रिटर्न द आइटम पॉइंटर द वैल्यू फाउंड और -1 इफ द आइटम इज नॉट फाउंड। तो ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है आइटम पॉइंटर हर दो का? ये वाला अच्छा भाई, अच्छा क्योंकि वाइल लूप लगा। हाँ आइटम नहीं, इसमें वैसे इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा का वो इंक्रीमेंट ही हो आइटम रहा, पॉइंट। यानी एक तो ट्रू हो गया ना। ठीक हाँ है, अगर फाउंड नहीं हुआ तो क्या होगा? आइटम पॉइंटर की क्या वैल्यू आ रही है? वो आइटम पॉइंट के तो स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये रिटर्न करेगा ना, आइटम पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। तो कह रहे ना कि दिस फंक्शन रिटर्न आइटम पॉइंटर, आइटम पॉइंटर ऑफ द वैल्यू फाउंड और -1 इफ द आइटम इज नॉट फाउंड। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आइटम पॉइंटर के पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आइटम पॉइंटर में स्टोर कर देगा और इसी को रिटर्न कर रहा है वहां पे। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहीं से इतना ठीक कंटिन्यू है। करते हैं इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।